नमस्कार, आप देख रहे हो आरजे 18 न्यूज। झुंझुनू के सुभाष पार्क के पास मिला एक व्यक्ति के अंग का मात्र एक पांव। कोतवाली पुलिस मौके पर। झुंझुनू कोतवाली थाना क्षेत्र के मंडा मोड़ के पास स्थित सुभाष पार्क के पास आज सुबह उस वक्त हड़कंप सा मच गया जब सुभाष पार्क के पास एक व्यक्ति के अंग का मात्र एक हिस्सा मिला, जो कि सुभाष पार्क के पास झाड़ियों में मिला। व्यक्ति के पांव को देखकर आसपास में एक दहशत का माहौल पैदा हो गया। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। कोतवाली पुलिस कोतवाल सुरेंद्र सिंह देवड़ा जाब्ते के साथ पुलिस टीम को लेकर सुभाष पार्क पहुंचे। व्यक्ति के पांव को अपने कब्जे में लेकर हॉस्पिटल भिजवाया है। डॉग स्क्वाड टीम भी मौके पर पहुंच रही है और मामले की जांच की जा रही है। मंडावा मोड़ शहर में मंडावा मोड़ के पास हॉस्पिटल वाली गली से महावीर हॉस्पिटल के पास में सुभाष पार्क है, इसी के पास में ये खोखे हैं। इनके पीछे की तरफ एक मानव अंग जो देखने में लग रहा है पुरुष का अंग है, पैर से नीचे से कटा हुआ हिस्सा है, ये पड़ा हुआ मिला। आसपास में लोगों से पूछताछ की तो ये पार्क में से बताया कि कुत्ता इसको मुंह में दबाकर यहाँ खींच कर लाकर छोड़ के गया है। सूचना पर कोतवाली थाने की पुलिस यहाँ पर पहुँची है। पार्क में भी आसपास में एक दो जगह थोड़ी मिट्टी उखड़ी हुई थी, वहाँ पर खुदाई करके भी तलाश किया गया तो वहाँ पर ऐसा कोई मृत शरीर वगैरह नहीं मिला है। चूँकि ये मानव अंग मिला है, आसपास में ये बहका माहौल हुआ है, तो आसपास के जो खाली इलाके हैं, खाली सुनसान प्लॉट है, जैसे कब्रिस्तान और नज़दीकी कब्रिस्तान और सुनसान है, वहाँ पर इस ये अंग कितने कहाँ से खींच कर लाए हैं तलाश की जा रही है। डॉग स्क्वाड टीम बुलाई गई है? हाँ जी, डॉग स्क्वाड टीम भी बुलाई गई है, उसकी सहायता भी ली जा रही है।